चलो एनीवे ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करो। अब सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, डी टू जेड अपॉन डी आर टू, डी टू जेड अपॉन डी आर टू इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। कितना आएगा देखो, नाइन वी स्क्वेयर, नाइन वी स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर इन टू माइनस टू, और आगे माइनस थ्री और आ जाएगा, आर की पावर माइनस फोर हो जाएगी। ठीक है, ये तो ये हो गया, प्लस में ये हो जाएगा ट्वेल्व आर स्क्वेयर। सो ये हो गया पाई स्क्वेयर, देखो जरा नाइन वी स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर, ये टू और थ्री सिक्स, प्लस का सिक्स हो गया, इंटू सिक्स अपॉन आर फोर, प्लस में ट्वेल्व आर स्क्वेयर। देखो रेडियस है, रेडियस तो पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव होता है, सबके स्क्वेयर फोर ऐसी पावर है तो नेगेटिव होने का चांस ही खत्म हो गया, सब कुछ ऐड हो रखा है, ऐड पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो गए तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ से नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन जीरो। डी टू जेड अपॉन डी आर टू पॉजिटिव आ गया, देखो जेड 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 का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आया, यानी कि जेड क्या है, दिस इम्प्लाइज जेड इज मिनिमम, जेड मिनिमम है, जेड क्या है, जेड देखो क्या था, जेड था दिस इम्प्लाइज जेड मिनिमम, तो एस स्क्वेयर इज मिनिमम, एस स्क्वेयर मिनिमम है, एस स्क्वेयर मिनिमम हो गया, इट मीन्स एस इज मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, ओ नो मिनिमम, एस इज मिनिमम, तो यहाँ से एस भी मिनिमम हो गया, करेक्ट, यही हमें प्रूव करना था कि एस मिनिमम है। सो एस क्या होगा, एस मिनिमम होगा, ठीक है बच्चों, समझ आया ये आपको, आवाज आ रही सर आगे समझ। और साथ में जो हमने प्रूव करना था कि हाइट इज इक्वल टू रूट टाइम ऑफ रेडियस ऑफ बेस, वो भी प्रूव हो गया। ठीक है चलें आगे। देखो जरा नेक्स्ट क्या है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अरे इसका आपने ले लिया था स्क्रीन फोटो ले लिया था बच्चों, हाँ सर। सेमी वर्टिकल एंगल कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। बच्चों ये कंप्लीट वर्टिकल एंगल होता है, ठीक है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल, दिस सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको भी समझ आ ही गया होगा, जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है उसी को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमम, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, आपको स्लांट हाइट क्या है, गिवन है, राइट, स्लांट हाइट आपको गिवन है, अब क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम हमें मैक्सिमम करना है, स्लांट हाइट गिवन है, तो ठीक है वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पहले लिखते ही है, एच हाइट हो गया, आर रेडियस हो गया, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वेयर एच, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम इज दिस, क्या करें, छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल स्टार्ट हो गया बच्चों,
जान तो मेरा स्कूल लेकिन सर स्कूल स्टार्ट हो गया तो अभी नहीं हुआ अभी 3 हफ्ते हैं। अच्छा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr² है। 3 हफ्ते हैं इतने लेट तक तो हमारी अभी तो स्टार्ट रही है 1 हफ्ते पहले। अच्छा ओके चलो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr² है। ये कौन का वॉल्यूम है इसको हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। अच्छा शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि ये एंगल अल्फा। अल्फा हमें क्या शो करना है अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट टू। क्या शो करना है अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ रूट टू। एक तो ये प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। आपको सरफेस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों कौन सा तो दिखती है मैंने 25 करना था ना हमें। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। एक तो वॉल्यूम का मैक्सिमम करना है गिवन स्लांट हाइट ठीक है हाँ टेंजेंट यही ठीक ठीक है बच्चों। क्या करेंगे वॉल्यूम इज दिस गिवन है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट गिवन है तो एक रिलेशनशिप हमारा हो गया स्लांट हाइट में एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दें आर स्क्वायर को रिप्लेस करें आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 π आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। बताओ ये आपको समझ आया है सर आ गया अपना ये अनिरुद्ध किधर है आ गया अनिरुद्ध हाँ सर ओके तो वॉल्यूम हो गया 1/3 π एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब ठीक है। डिफरेंशिएट करो डीवी अपॉन डीएच इज इक्वल टू क्या होगा एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब 3h² एल स्क्वायर माइनस 3h³। सो डीवी अपॉन डीएच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 1/3 π एल स्क्वायर माइनस 3h² एल स्क्वायर माइनस 3h² यानी कि एल स्क्वायर माइनस 3h² इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये टर्म तो 0 होगी नहीं। अगर 0 रखते हैं तो उसका मतलब ये वाली टर्म 0 होगी ठीक है ओके। सो एल स्क्वायर माइनस 3h² इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h² एल स्क्वायर व्हाट इज एल स्क्वायर व्हाट इज एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3h² एल स्क्वायर की वैल्यू ऊपर देखो क्या थी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर थी यहाँ पर डाल दी एल स्क्वायर की जगह तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h² तो आर इज इक्वल टू रूट टू ठीक है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h². अच्छा बच्चों हमें करना क्या है टेंजेंट इनवर्स के टर्म में आंसर लाना है ना तो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया आर अपॉन एच क्या हो गया 2 हो गया। अब यहां से देखो आर अपॉन एच क्या था ये अगर एंगल अल्फा है तो आर हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया बेस आर अपॉन बेस मतलब आर अपॉन एच क्या होगा 10 अल्फा बनेगा तो यहां पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज 10 अल्फा आर अपॉन एच को लिख दिया 10 अल्फा दिस इज इक्वल टू रूट टू दिस इज इक्वल टू रूट टू तो अल्फा आ गया टेंजेंट इनवर्स रूट टू ठीक है अल्फा हमारा टेंजेंट इनवर्स रूट टू आ गया। अब एक बात सुनो एक चीज प्रूव हो गई अब करना है सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव ठीक है। पहले आप इतना फोटो ले लो
ले लिया। चलो दिस इज नाउ डीवी अपॉन डी एच क्या था बताओ जरा। डीवी अपॉन डी एच था 1/3 pi एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वी अपॉन डी एच टू 1/3 pi एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। एल स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट एंड इट्स डेरिवेटिव विल बी जीरो माइनस 6 ऑफ एच राइट। सो वट इज इट माइनस ऑफ 2h दैट इज लेस देन जीरो बिकॉज हाइट इज पॉजिटिव माइनस 2 साथ में मल्टीप्लाइड है सो ओवरऑल इट इज नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ गया वट इट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया इसका मतलब वॉल्यूम का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम इज वॉल्यूम मैक्सिमम है समझ आया आपको। अब क्या करेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम और साथ में हमें ये प्रूव करना था दोनों ही काम हो चुके हैं हमारे दो चीजें प्रूव करनी थी दोनों हो गए ठीक है। 26 पे आ जाओ ये कहता है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये राइट सर्कुलर कोन हो गया राइट सर्कुलर कोन इसका सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला एंगल अल्फा। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। गिवन क्या है आपको गिवन है सरफेस एरिया सारे क्वेश्चंस में एक टर्म आपको गिवन होगी एक आपको मैक्सिमम मिनिमम करनी होगी एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या करना है वॉल्यूम को आपको करना है मैक्सिमम तो वॉल्यूम को ही डिफरेंशिएट करना होगा राइट। वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन सरफेस एरिया आपको गिवन है वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है तो कौन का सरफेस एरिया कितना होता है। अब ये तो नहीं बोला ना कर्व सरफेस एरिया या सारे कैमरा बंद करके सो गए क्या कैमरा ऑन करो सभी कहाँ चले गए थे सब जान कहाँ है सॉरी इंटरनेट खराब है मेरे में हाउस में नहीं मैं बाहर हूँ। ओके एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया अब ये तो नहीं बताया कौन सा सरफेस एरिया कर्व या टोटल तो फिर हमें टोटल लेना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 pi r² h करेक्ट। अच्छा अब यहाँ से क्या निकाले हम किसको रिप्लेस करेंगे या तो h को रिप्लेस वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है ना तो किसको एलिमिनेट करें या तो r को या फिर h को किसी एक को कर सकते हैं। r को अगर एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से r निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया से गिवन से निकलता है हमेशा यहाँ से r निकालना बच्चों ईजी नहीं है क्योंकि ये r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे s माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन में पाई आर दैट इज इक्वल टू l s माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर दैट इज इक्वल टू l ठीक है। लेकिन l तो यहाँ है ही नहीं तो यहाँ l क्रिएट करना पड़ेगा 1/3 pi r² h की वैल्यू कितनी आएगी l स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर ये l है ये h है ये r है ट्राइंगल बन गई पाइथागोरस लगाएंगे l स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर तो l स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना है और मैंने एक दो क्लास पहले भी बताया था कि दो बार डिफ्रेंशिएट करना हो और अगर रूट आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है इसलिए रूट को यहाँ से हटा दो। रूट को हटाने का एक ही तरीका होता है कि हम स्केयरिंग कर दें स्केयरिंग करते हैं तो वी स्क्वेयर हो गया 1/9 pi² r² एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर राइट। सो वी स्क्वेयर को हम जेड ले लेते हैं वरना इसको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होगी 2v dv / 3z लिखना पड़ेगा 1/9 pi² r² अब आर फोर इंटू एल स्क्वेयर की वैल्यू देखना बच्चों कितनी आएगी ठीक है। एल स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी s माइनस पाई आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अपॉन में पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस This is r square. ये बताओ ये समझ आया है नहीं? L square की वैल्यू डाली मैंने L की वैल्यू ये है इसका स्क्वेयर कर दिया न्यूमरेटर का स्क्वेयर हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वेयर हो गया माइनस में ये r square as it is बाहर 1/9 था पाई स्क्वेयर था r 4 था ये सब as it is बताओ समझ आया क्या
हाँ सर। अनिरुद्ध? हाँ जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो फिर, आ गया तो, नहीं आया तो बताओ कुछ। ले लिया? इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे डिफरेंशिएट करने से पहले। जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू देखो क्या था, मैं यहाँ ये तो इस होल स्क्वायर को मैं ओपन कर रहा हूँ, इस होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो ये बनेगा 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर फोर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर फोर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर आर फोर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ये कट हो गए दोनों, ये दोनों कट हो गए। तो देखो बचा क्या, बचा क्या 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर को भी यहां से कट कर दो, आर स्क्वायर को यहां से कट कर दो, पाई स्क्वायर यहां से कट हो जाएगा, ठीक है। वैसे बच्चों ये आर फोर था, ठीक है। अब आर स्क्वायर यहां था, यहां आर फोर था, ठीक है, तो कट हो गए, आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अंदर कितना है, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, अंदर ये दो टर्म बचेंगे, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, गॉट इट? नहीं समझ आया? वन अपॉन नाइन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर टू एस पाई आर स्क्वायर, जो पिछले पेज पे लिखा था मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। जेड इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, यहां से मैं एस बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ से एस बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ एस बचेगा और ये आर स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर अंदर आ गया माइनस एस आप बाहर चला गया 2 पाई आर स्क्वायर, और बाहर से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये आर फोर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है कार्तिके? कार्तिके यस सर। अच्छा क्वेश्चन है ना? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सर, इसका आपके हिसाब से अच्छा होगा बट हम बच्चों के हिसाब से अच्छा नहीं है। इसका डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा 2sr माइनस 2 पाई r4 का डेरिवेटिव 4r3 1/9 पाई स्क्वायर, s कॉमन निकाल लो, सॉरी s कॉमन नहीं निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा तो 2, ठीक है 2 कॉमन निकाला, r निकल सकता है, मैं जानता हूं r भी निकल सकता है, जान कुछ के नहीं निकाल रहे बेटे, हमको ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। फिर अंडर मल्टीप्लाई करने का करना पड़ेगा अगले डेरिवेटिव के लिए, तो यहाँ बचेगा एस आर, एस आर माइनस 8 हो गया, ये 8 पाई आर तो 4 होगा ना, तो 4 होगा, हमें कॉमन ले लो, अच्छा कॉमन ले लिया तो 4 हो गया, ओके एस आर माइनस 4 आर टू, पुट डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। डी जेड अपॉन डी आर को 0 पुट कर दिया तो यहाँ से कितना आ गया, ये टर्म तो 0 होगी नहीं, हम जब इस पूरे को 0 रखेंगे तो दिस टर्म विल बी 0, क्योंकि 9 पाई एस सरफेस एरिया और 2 में से कोई भी 0 नहीं है, तो फिर 0 क्या होगा, ये वाली टर्म, तो एस आर माइनस 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप गिवन की वैल्यू डाल दो, गिवन कितना है सरफेस एरिया, यहाँ पर आप गिवन की वैल्यू डाल दो, सरफेस एरिया की वैल्यू डाल दो, सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कॉमन आ गया, आर भी कॉमन, एल प्लस आर इज इक्वल टू 4 आर, तो 4 एल इज इक्वल टू 4 आर,
एल इज इक्वल टू आ गया 3R, R को राइट में लेंगे तो वहां जाके ये हो जाएगा L, L इज इक्वल टू 3R, तो ये हो गया बच्चों 1/3 इज इक्वल टू R अपॉन L, ठीक है, समझ आया ये, L अपॉन 1 इज इक्वल टू 3R अपॉन 1, L इधर चला गया, R इधर आ गया, नहीं 3 इधर आ गया, तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू R अपॉन L। अगर आप अपने ट्राइंगल को देखें पीछे जाके, तो ये एंगल था अल्फा, ये क्या था रेडियस, ये क्या थी हाइट, ये थी स्लांट हाइट, ठीक है। आर अपॉन एल की वैल्यू क्या होगी इस एंगल अल्फा के लिए, आर अपॉन एल की वैल्यू बताओ जरा, आर अपॉन एल की वैल्यू क्या होगी बोलो, आर अपॉन एल की वैल्यू आई थिंक टेन अल्फा होनी चाहिए, कॉस नहीं होगी, आर अपॉन एल, अच्छा कॉस होगी, नहीं बेटे आर अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, आर होता है बेस अपॉन आर अपॉन एल, तो वो हो गया R अपॉन L बेटा, R अल्फा के सामने जो है परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन, जैसे देखो ये एंगल अल्फा है, ये परपेंडिकुलर फिर आगे सर, फिर आगे और ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा बनेगा, तो अल्फा कितना आ गया साइन इनवर्स 1/3, अल्फा क्या आ गया साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, अल्फा साइन इनवर्स 1/3 हो गया, ठीक है, समझ आया आपको, हाँ सर, इसका एक बार में तो फोटो आएगा नहीं ना, आ जाएगा, आप इसका फोटो लो बस, मैं एक मिनट में वापस आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है।
हेलो। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? बच्चों कोई नहीं बोल रहा। हाँ सर आ रही है। अच्छा, आ रही है। तो अल्फा क्या हो गया हमारा? ये तो हो गया था हमारा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ जी सर। अच्छा ये मिसलेनियस का एग्जांपल आप कर लोगे क्या? बताओ जरा, मिसलेनियस का एग्जांपल आप कर लोगे या मैं करवाऊं? और आप करवा दें। अच्छा एग्जाम्पल नंबर ये निकालो आप पहले, तो एग्जाम्पल नंबर 38। शो दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। शो दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। राइट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हमारा राइट सर्कुलर एग्जाम्पल है, लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। राइट सर्कुलर, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है हमारा? ग्रेटेस्ट। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया कितने का है? रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। और इसको कहाँ बनाया है? इसको कोन के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, इसको कोन के अंदर बनाया हुआ है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन is half of that of cone. पूछ ले उनसे क्या कहते हैं, फिर इसमें बता देना कि ये क्या है। बात कर ली, ठीक है। प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर, देखो इसमें प्रूव क्या करना है, कोई बता सकता है क्या प्रूव करना है? एग्जांपल नंबर 38 देख रहे हो ना? एक बार फिर एग्जाम्पल को पढ़ो, समझो क्या है, मैं एक मिनट आता हूँ। हाँ बताओ बच्चों, कर्व सरफेस एरिया क्या प्रूव करना है, समझ आया? सर रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है वो हाफ ऑफ कोन का है रेडियस। प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर के रेडियस को हम क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर ले लेते हैं। कोन के रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, ये प्रूव करना है एक तो। दूसरा क्या प्रूव करना है? ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया प्रूव करना है। दो चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन?
क्वेश्चन समझ आ गए सबको? बताओ ना बच्चों, बोलते ही नहीं हो। यस सर। सिलेंडर की हाइट को हमने ले लिया x, कौन की हाइट को क्या ले लिया h।